बच्चों, बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आपको लास्ट में एक पजल मिलेगा जो आप सॉल्व करना और बताना कि उसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत बच्चे बता रहे हैं वीडियोस देख के आंसर। और हाँ, सारे वीडियोस के आंसर मैं एक खास वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पहेलियों का, सारे पजल्स का आंसर रहेगा। ठीक है, जितने भी रिडल, जितने भी पजल मैंने पूछे हैं सबका आंसर मैं वहाँ पे बताऊंगा किसी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो एंड तक देखिए और आज के पजल का भी आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं कुछ अलग सा पढ़ाने वाला हूँ जो कि सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को देखना चाहिए। एंड दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो देखो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है। पहले मैं मल्टीपल्स आपको बता देता हूँ क्योंकि फैक्टर्स में बहुत कुछ सीखना है अपने को। मल्टीपल्स के बारे में बताता हूँ। मल्टीपल्स क्या होता है कि कोई भी एक नंबर है, सपोज 5, तो 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, तो 10 5 का एक मल्टीपल है। 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया, 10 आया, तो 10 एक 5 का मल्टीपल है। 3 से करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, तो 15 5 का मल्टीपल है। 4 से करोगे तो 20 आएगा, 25 का मल्टीपल है। ऐसे करके मल्टीपल्स बहुत सारे आ सकते हैं, इनफाइनाइट मीन्स अनंत मल्टीपल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स का कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल्स बहुत सारे आते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल बहुत सारा आएगा। ठीक है, मेन जो होता है वो होता है फैक्टर्स। तो आज हम सीखते हैं फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर होता है जस्ट मल्टीपल का आप अपोजिट समझ लो। जैसे 5 से किसी नंबर में डिवाइड कर पाए तो वो नंबर 5 का मल्टीपल हो गया, लेकिन 5 में जिस नंबर से डिवाइड दे पाए वो 5 का फैक्टर हो गया। 5 में डिवाइड किससे दे सकते हैं, 5 में डिवाइड 1 से दे सकते हैं, तो 1 5 का एक फैक्टर हो गया। 5 में और डिवाइड किससे दे सकते हैं, 5 में और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग सिर्फ 5 से, 1 के अलावा 5 से कर सकते, तो 5 के लिए 5 भी एक फैक्टर हो गया। तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 एंड 5। ठीक है, वैसे भी 5 प्राइम नंबर हो गया क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए। ऐसे ही जो भी नंबर है उसका आप नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हो, या आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर क्या होता है। जैसे 10 की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो फैक्टर्स आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 6 7 8 9 10। तो 10 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ 18 के कितने फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स 18 के कितने हैं, तो आप तुरंत काउंट कर लोगे। अच्छा, 18 में देखोगे क्या क्या से भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 4 से नहीं लग रहा है, 5 से नहीं, 6 से लग रहा है, 7 8 से नहीं, 9 से लग रहा है और 18 से लग रहा है। कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फैक्टर, अगर कोई नंबर छोटा रहेगा तो ईजिली काउंट कर सकते हो कि हाँ इस तरह से आप नंबर ऑफ फैक्टर आपने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर नंबर बहुत बड़ा रहे, थोड़ा सा बड़ा सा नंबर मिल जाए, जैसे मैं उतना भी बड़ा नहीं जाता हूँ, मैं जैसे ले लेता हूँ 200 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो अभी भी आप काउंट करोगे लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा। अभी भी आप काउंट करोगे लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा उसमें। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊँगा जो कि कॉम्पिटिशन में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस फॉर्मूला का यूज़ करके आप नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ईजीली बता सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। कोई भी नंबर है, जैसे n एक नंबर है, सो n इक्वल्स टू, अगर 2 raise to p इंटू 3 raise to q इंटू 5 raise to r इंटू 7 raise to s। आपने देखा होगा मैंने जो भी बेस में नंबर्स लिखे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब इसका मतलब कुछ भी नंबर होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। अगर ऐसा हो तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा वो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू s+1 एंड सो ऑन।
ये फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत आसानी से किसी भी नंबर का बता सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए, चलिए सबसे पहले छोटा सा 18 लेते हैं क्योंकि उसका आंसर भी अपने को पता है। मैं देखता हूँ कि 18 के लिए सही होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहला काम 18 को प्राइम फैक्टराइज करना। 2 से करोगे तो 9 आएगा, 3 से करोगे तो 3 आएगा, वापस 3 से करोगे तो 1 आएगा। क्या आया? 2 × 3² तो 2 अकेला ऐसे उसे लिखेंगे, 2 अकेला है तो 2 raised to 1 हो जाएगा ना। ओके तो इसका अब नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, ये 1 है तो 1 + 1, और ये फिर 2 है तो 2 + 1। ठीक है, 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि 2 पे पावर 1 था, और इधर 2 है तो 2 में भी 1 ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ भी पावर 2 था, उसमें 1 ऐड करते। तो ये इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। 1 + 1 क्या होता है? 2। 2 + 1 क्या होता है? 3, 6। याद करो कितना 6 ही आया था ना, है कि नहीं? तो इससे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत आसानी से बता सकते हो। चलो अब 200 का फाइंड करते हैं। अगर n इक्वल्स टू 200 आ जाए तो क्या करेंगे? n इक्वल्स टू 200 आ जाएगा तो लिखेंगे 200 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 100, 2 से करोगे तो 50, फिर 2 से करोगे तो 25, फिर 5 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1। तो क्या आ गया? 2³ × 5² तो आप बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, इस पावर में 1 ऐड किया और इस 2 में 1 ऐड किया, कितना आ गया? 4 × 3 दैट इज 12। आप काउंट करके देख लेना, 200 के आपको 12 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। पहला 8, 24, दूसरा 6, 76, तीसरा 5, 29, चौथा 3 raised to 8 × 4² × 5³ × 6² पांचवा 8² × 9² × 10³ × 12 raised to 4। ये पांचों नंबर्स का आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है नंबर ऑफ फैक्टर्स की। अब इसको इसके और डिटेल में हम लोग चलते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप कितना भी, वैसे कितना भी बड़ा नंबर हो, ये मेथड का यूज करके आप नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत आसानी से बता सकते हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल अगर मैं ये पूछूं कि बताओ जो भी नंबर है, जैसे मैंने लिया सपोज n इक्वल्स टू ले लिया 2³ × 3² × 5³, इसका नंबर ऑफ फैक्टर आपने फाइंड कर लिया, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू 3 + 1 × 2 + 1 × 3 + 1, कितना हो गया? 4 × 3 × 4, कितना हो गया? 48। ठीक है, यहाँ पे आपने ये काम किया, क्यों? क्योंकि ये सब मतलब मैंने फॉर्मूले में बताया। तो चलो मैं थोड़ी देर में ये बात बोलूँगा, वही चलिए मैंने आपको जो होमवर्क दिया उसमें एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। जैसे 3 raised to 8 × 4² × 5³ × 6² तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या बोलेंगे आप? 8 + 1 2 + 1 3 + 1 × 2 + 1, है ना, 9 × 3 × 4 × 3, है ना, 27 × 12, 8 324। ठीक है, तो इसका ये नंबर ऑफ फैक्टर आ गया जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है? मैंने इसको बिल्कुल सही बोला, इसको बिल्कुल गलत बोला, क्यों? क्योंकि ये सारे देखो प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्राइम फैक्टराइज होना चाहिए। क्या यहाँ पे 4 प्राइम नंबर है? क्या यहाँ पे 6 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले n इक्वल्स टू 3 raised to 8 × 4² × 5³ × 6² इसको कैसे लिखेंगे? 3 raised to 8 × 4² को 2² होल स्क्वायर लिखेंगे ना, प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। 5³ 6² को 2 × 3 होल स्क्वायर, ये क्या होगा? 3 raised to 8 × 2 raised to 4 × 5³ × 2² × 3² दैट इज़ 2 को पहले लिख देते हैं,
फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा, थ्री एट प्लस टू टेन हो जाएगा, और फाइव क्यूब, है ना। अब ये अब प्राइम फैक्टर्स हो चुका है, तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या बोलूँगा, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू सिक्स प्लस वन, पावर टेन प्लस वन, और पावर अगर थ्री हो तो थ्री प्लस वन, कितना जाएगा, सेवन इंटू इलेवन इंटू फोर, ट्वेंटी एट इंटू इलेवन, थ्री जीरो एट, है ना। ये देखो बिल्कुल सेम आंसर था क्या दोनों, नहीं था, डिफरेंट था। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं, और मुझे बहुत ही भरोसा है आप लोगों पे कि बहुत लोगों ने ये मेथड यूज़ किया होगा, मतलब ऐसे फाइंड किया, मतलब करने के दिमाग में उनके आया होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब बाकी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा और दिया है, वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर क्या आएगा, अब तो आपका बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका नंबर ऑफ फैक्टर तो आपने सीख लिया, कितने भी बड़े नंबर हो उसका नंबर ऑफ फैक्टर आप आसानी से बता सकते हो, है ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, जैसे यही नंबर है, यही यही नंबर के लिए, इसी नंबर के लिए मैंने क्वेश्चन किया कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है आपने नंबर ऑफ फैक्टर बता दिया। अगला सवाल है ये, चलिए पहला सवाल था ए, बी में मैंने इसी में ऐड किया कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब ऑड फैक्टर्स क्या होता है, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो ऑड नंबर हैं। अब ऐसे फैक्टर्स जो ऑड नंबर हैं ये आप कैसे ढूंढेंगे, है ना। थोड़ा सा आप सोचिएगा यहाँ पे, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचो और फिर यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर नहीं सीखोगे, मैं बोलते रहूँगा आप सीखते रहोगे, ऐसा नहीं होता है, आपको खुद का ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा उसके बाद ही सीखोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इस नंबर का कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद अगर आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऑड मतलब क्या, टू का फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए, टू का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, एक भी टू आ जाए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ, और डिटेलिंग में जा रहा हूँ मैं, मेरी आदत है मैं कि हमेशा डिटेलिंग में जाता हूँ। डिटेलिंग में जाना मतलब हर चीज़ के बिल्कुल तह में जाना कि वो आखिर क्यों हो रहा है, आखिर वो चीज़ हो क्यों रहा है, वो जानने की मेरी आदत होती है, और मैं बताता भी हूँ, मैं ऐसे बता देता हूँ कि इसका ये कारण है इसलिए हो रहा है। फिर उसमें क्या होता है, कई बच्चों को या कई लोगों को वो कारण समझ में नहीं आता कि अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा डरने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर कारण समझ में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत वीक हो, कोई बात नहीं, कई सारी चीज़ें कई लोगों को समझ में नहीं आ सकती, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि कारण भूल जाओ, जो आपको याद रखने को मैंने बताया था, क्या बताया था याद रखने को, ये बताया था वो याद रखो, ये क्यों आया जाने दो, वैसे मैं बताने वाला हूँ ये क्यों आया, लेकिन अगर समझ में आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप आंसर फिर भी लाओगे, लेकिन हाँ अगर समझ में आ जाए तो आपका दिमाग खुलता है, आपकी समझदारी बढ़ती है, बस यही होता है, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जानने के लिए, नंबर और फैक्टर्स जानने के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आखिर होता क्यों है। तो एक मैं सिंपल सा नंबर लेता हूँ, ये अभी रहने देते हैं, इस एग्जाम्पल को भी रहने देते हैं, एक छोटा सा नंबर लेता हूँ जिससे ईजिली हो पाए, टू स्क्वायर इंटू, एक मिनट, टू स्क्वायर इंटू थ्री क्यूब, ठीक है, टू स्क्वायर इंटू थ्री क्यूब इंटू, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, टू स्क्वायर इंटू थ्री क्यूब, एक मिनट, इंटू फाइव स्क्वायर ले लेते, चलिए ये नंबर का अपने को नंबर ऑफ फैक्टर जानना है। तो आप इस चीज को समझो, नंबर ऑफ फैक्टर आता कैसे है, नंबर ऑफ फैक्टर आता है कि अगर एक टू एक थ्री से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक फैक्टर मिलेगा, एक थ्री एक फाइव से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक फैक्टर मिलेगा, एक टू बाकी किसी से मल्टीप्लाई ना हो तो एक फैक्टर मिलेगा, एक फाइव एक टू से मल्टीप्लाई हो, या एक फाइव दो टू से मल्टीप्लाई, दो अलग मल्टीप्लाई तो एक अलग फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, पहले तो एक ही टू बाकी सबसे मल्टीप्लाई एक एक करके होते रहे तो अलग अलग फैक्टर मिलता रहेगा,
फिर दो टू बाकी सबसे मल्टीप्लाई होता रहे तो अलग अलग फैक्टर मिलता रहे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है, या तो 2 raised to 0 हो जाए, ध्यान से समझना, मैं ये बात पहले बता देता हूँ, ये बहुत मुश्किल चीज़ है समझना, ठीक है। आप पूरा एकदम फोकस्ड होके देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। 2 raised to 0 एक ऑप्शन हो गया कि 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 square, 3 raised to 0, 3 raised to 1, 3 square, 3 cube, यही तक ऑप्शन है। 5 raised to 0, 5 raised to 1, 5 square, बस इतना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग फैक्टर कैसे मिल रहा है। जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 18 का क्या लिखा था मैंने, 2 into 3 square। तो यहाँ पे 2 raised to 1 है तो ऑप्शन 2 raised to 0, 2 raised to 1 हुआ। 3 के केस में 3 raised to 0, 3 raised to 1, 3 square होगा। अब देखो सारे फैक्टर्स इसके कैसे कैसे आ रहे हैं। जब 2 raised to 0 3 raised to 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक फैक्टर 1 मिलेगा। जब 2 raised to 0 3 raised to 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 raised to 0 तो 1 होता है ना, तो वो 1 जब 3 raised to 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा। मीन्स पहले मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 1 आया, ओके। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, ठीक है, 2 and 3 को, 2 raised to 0 एंड 3 raised to 1 को, ठीक है, तो क्या आया बताइए, 3 आया। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 raised to 0 एंड 3 square को, तो बताओ क्या आएगा, 3 square, 2 raised to 0 तो 1 होता है, 9 आएगा। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 raised to 1 और 3 raised to 0 को, तो बताओ क्या आएगा, 3 raised to 0 तो 1 होता है, 2 raised to 1 क्या आ गया, 2 आ गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 raised to 1 और 3 raised to 1 को, क्या आ गया, 6 आ गया। और फिर मैंने फाइनली मल्टीप्लाई किया, एक और नंबर बचा, कोई भी कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, और 2 raised to 1 3 square को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ध्यान से देखिए मतलब क्या हुआ इधर, कि ये सारे इधर जो भी नंबर्स थे सब इनसे मल्टीप्लाई हुआ, है कि नहीं। और धीरे धीरे सारे फैक्टर्स आप ध्यान से देखो तो ये सारे फैक्टर मिल गए आपको, इसीलिए मैंने वो कलर भी दिखा दिया, अलग चेंज कलर डिफरेंट करके दिखा दिया, जिससे आपको कन्फ्यूजन कम हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फैक्टर्स ऐसे ही मिलता है कि जो उसके प्राइम छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना, वो एक जितने तरीके से मल्टीप्लाई होंगे उतने डिफरेंट फैक्टर्स मिलते जाएंगे। कितना अमेजिंग चीज़ें हैं, मैथ्स की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब जितना इसमें घुसोगे आपको उतना मज़ा आते रहेगा, है ना, लेकिन उतना इंटरेस्ट होना चाहिए घुसने का, तो फिर और मज़ा आता है। तो फिर यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आया कि अच्छा ये कहानी हो रही है। फिर अगर मान लो यहीं पे मैंने 5 square कर दिया, तो यहाँ 5 raised to 0, 5 raised to 1, 5 raised to 2, अब ये सब जब 5 raised to 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इतने फैक्टर्स मिलेंगे, जब ये सब 5 raised to 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये सब 5 raised to 2 से मल्टीप्लाई होगा तो और भी अलग फैक्टर्स मिलेंगे, समझ रहे हैं। मतलब सबको सबसे गुना करना है तो फिर अलग अलग फैक्टर्स मिलते रहेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि वो प्लस 1 क्यों किया था, क्योंकि 2 square है तो 1 भी तो चाहिए, है ना। 1 कब आता है, 2 raised to 0 करने से। जब आप ही देखो 2 raised to 0, 3 raised to 0, 5 raised to 0, जब ये 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो फिर अपने को 1 फैक्टर मिलेगा, मतलब तीनों मल्टीप्लाई होकर 1 ही बनेगा ना। इसीलिए 2 raised to 1, 2 raised to 2 दो नंबर्स हो गए, ये पावर 2 था, तो और 1 प्लस क्यों किया, 0 की वजह से। तो देखो क्या हो गया, ये तीनों को इन सबसे मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 × 3, तो यही तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर होता ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्या होता, फॉर्मूला से क्या लिखते, ये 2 + 1 तो 2 + 1, यहाँ से क्या लिखते 3 + 1 तो 3 + 1, यहाँ से क्या लिखते 2 + 1 तो 2 + 1, कितना हो जाता, जो भी होता 3 × 4 × 3। तो यहाँ भी देखो, ये देखो 3 नंबर्स हैं, ये देखो 4 नंबर्स हैं, ये देखो 3 नंबर हैं, वही 3 4 3 लिखा हुआ है ना। तो फैक्टर्स ऐसे आते हैं, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं, इस तरह से ये फॉर्मूला आया। अब मैं आता हूँ कि ये चीज़ मैंने स्टार्ट क्यों किया था, कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो ऑड फैक्टर में क्या होगा, अगर एक भी 2 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक भी 2 आ गया तो वो इवन नंबर बन जाएगा ना। आप ही सोचो कितना भी बड़ा ऑड नंबर हो, एक सिंगल 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करो वो इवन नंबर हो जाएगा, और अगर दो 2 से मल्टीप्लाई करो तो तब तो होगा ही,
तीन टू से मल्टीप्लाई करो तब भी होगा। तो ऑड फैक्टर्स के लिए आप सिर्फ टू को हटा दो, मीन्स इन सब में किसी से आप मल्टीप्लाई करोगे इनमें से किसी को ऑड नंबर ही मिलेगा। टू रेस टू जीरो जाने दो, वो तो वन है ना, तो उसको जाने दो। हम लोग बाकी देखो जहां भी टू आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो एक काम करते हैं, ये सबको हटा ही देते हैं, है ना, ये सबको टू वाले को हटा देते हैं। टू के अलावा जो भी बचा, टू के अलावा जो भी बचा फिर उससे ऑड फैक्टर ही आएगा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इसके लिए, अगर ये क्वेश्चन होता तो इसके लिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होता, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाता, देखो एक दो तीन चार, तीन के वाला और पांच वाला 12, ठीक है, ये वाला लेते ही नहीं। तो इसके केस में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होता, देखिए छः सिर्फ ये नहीं लेंगे, ये दोनों लेंगे, तो 10+1 इंटू, यहाँ 3 है तो 3+1 कितना हो गया 11 × 4 दैट इज 44। ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, वैसे बहुत टफ क्वेश्चन दिखते हैं ये सब, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तब ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो ये सब बहुत टफ कहलाता है, कई लोगों से नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप सीख जाओ तो फिर बहुत आसान होता है, तो फिर ये बहुत आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, 4 × 3 कैसे हुआ, समझे ना, ये 4 और ये 3। ओके, तो बताओ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होगा, यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखें, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए टोटल फैक्टर, टोटल कितना था 36, उसमें से ऑड फैक्टर सबट्रैक्ट कर दो। और ये मत समझना कि ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नंबर ऑफ इवन फैक्टर इक्वल होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टोटल फैक्टर से ऑड फैक्टर सबट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स या तो ऑड होगा या इवन ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 24 इवन फैक्टर्स और 12 ऑड फैक्टर्स। इवन फैक्टर के लिए ये सब कोशिश मत करना कि हम लोग अलग से टू को इससे मल्टीप्लाई करें इससे वो करें, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, वो सोचना है, वो देखो सोच के तुम सोचने को सोच सकते हो, बट ज़्यादा असर उससे भी आ जाएगा, बट उतना लेंदी करने से अच्छा है कि आप सीधे ही टोटल फैक्टर फाइंड करो, उससे ऑड फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो इवन फैक्टर, क्योंकि ऑड आसान है, सिर्फ टू को हटाना है, क्योंकि टू के अलावा बाकी सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड ही होते हैं। टू के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब ऑड ही होते हैं, है कि नहीं, तो उन सबको आप उन सब में वन ऐड कर करके मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे और मैं कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो अब है रिडल टाइम, रिडल टाइम या फिर पजल टाइम। तो आज का पजल सुनिए क्या है, ध्यान से सुनना, आज का पजल है बहुत सिंपल सा है, सुन बस, मैं बोलूंगा और लिखूंगा नहीं, कि आप एक ऐसे होटल में जाते हैं, मतलब सफल होटल मतलब ठहरने के लिए जाते हैं ना, होटल में ठहरने के लिए, तो ऐसा मान लो कि आप एक ऐसे होटल में जाते हैं जहां आपको 7 दिन रुकना है, कितना दिन रुकना है, 7 दिन रुकना है, 7 days। अब इस होटल में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ करेंसी मतलब अपने खुद के जेब से पैसे वैसे कुछ ऐसे देने हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है। इस होटल में क्या होता है कि सिर्फ खास टाइप के जो सोने के बिस्किट होते हैं, जो गोल्डन बिस्किट होते हैं, सोने का जो बिस्किट होता है उसका यूज होता है, और हर एक दिन का आपको अगर खर्चा 100 रुपये लगता है, हज़ार रुपये लगता है रहने का, तो आपको 1000 रुपये का एक बिस्किट देना पड़ता है, 1000 रुपये का एक बिस्किट देना पड़ता है, और वो हर दिन देना है, समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि 7 दिन का इकट्ठा दे दिया, 4 दिन का एक साथ दे दिया, नहीं, एक दिन रुके, एक दिन बाद आपको 1000 रुपये देने हैं, 2 दिन रुका मतलब दूसरे दिन भी फिर 1000 रुपये का सोने का ही वही देना है आपको बिस्किट, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। आपके पास 7 दिन रुकना है तो 7000 हो गए, तो 7000 रुपये का आप जाते हैं बिस्किट खरीदने के लिए,
मतलब ऐसा तो नहीं कि आपके पास पहले से बिस्किट होगा, आप 7,000 रुपए का बिस्किट खरीदने जाते हैं किसके पास, उसी होटल के पास जैसे जाते हैं आप, होटल वाले को बोलते हैं कि मुझे 7,000 रुपए का बिस्किट दीजिए ताकि आप उसको हर दिन में यूज कर पाए, है ना। तो वो 7,000 रुपए का जो बिस्किट देता है वो 1,000 रुपए का बिस्किट देता है, 1,000-2,000 का बिस्किट देता है, है ना। एक ही बिस्किट है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे बिस्किट है, एक बिस्किट है जो 1,000 रुपए का है, ठीक है, एक बिस्किट है जो 2,000 रुपए का है और एक बिस्किट है जो 4,000 रुपए का है, हो गया ना 7,000। बस यही 3 बिस्किट आपको मिला, ठीक है, 3 बिस्किट आपको मिल गया, 1,000 रुपए का, 1,000-2,000 रुपए का, 1,000-4,000 रुपए का। अब अगर आपको हर एक दिन का अलग अलग रेंट आपको पे करना है, आपको उतने पैसे पे करना है, आप टुकड़ों में पेमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, एक साथ पेमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि कैशियर के साथ आपको छुट्टा करा लें कि 2,000 दें 1,000 रुपये ले लें, कैशियर के पास आप ये समझो कि इन चीज यही लास्ट का तीन ही कॉइन्स बचा था, है ना, यही 3 बिस्किट बचे थे लास्ट उसके पास, वो आपको दे ही दिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो अब आप डेली पेमेंट कैसे करेंगे, है ना, अब आप उसको डेली पेमेंट कैसे करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि आप एक खास तरह के होटल में जाते हैं जहां आपको 7 दिन ठहरना है, इस होटल में कोई करेंसी नहीं चलता है, मतलब कोई रुपए पैसे हमारे जेब का नहीं चलता है, एक खास तरह का सोने का बिस्किट का इस्तेमाल होता है, हर दिन ठहरने के लिए 1,000 रुपए लगते हैं जो आपको सोने के बिस्किट के रूप में लेने होते हैं, मतलब पहले आप पहला दिन जाके बिस्किट ले लो वहां से 7,000 रुपए का, अब वही बिस्किट हर दिन देते रहो, ठीक है, आपको 7,000 रुपए का बिस्किट ले आप लेने जाते हैं और आपको 1,000 रुपए का बिस्किट, 1,000-2,000 रुपए का बिस्किट और 1,000-4,000 रुपए का बिस्किट दिया जाता है। अब अगर आपको हर दिन बीते हुए दिन का भाड़ा देना हो, आप एक साथ या टुकड़ों में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर कैशियर के पास कोई अलग से छुट्टा ना हो, ठीक है, अलग से छुट्टा ना हो, तो आप डेली का पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, डेली का पेमेंट आप कैसे करेंगे, सोचिए इस पजल के बारे में, अच्छा पजल है, और आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखता हूँ कौन जवाब दे पाता है, और जल्दी ही मैं सारे पजल का आंसर दूंगा एक वीडियो में, सबका आंसर आपको मिलेगा और प्रोसेस भी सबका पता चलेगा, ठीक है। और मेरे सारे पजल में ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊपर से आंसर होगा, सबके अच्छे प्रॉपर आंसर होंगे, ठीक है, तो आपको जल्दी ही उसका आंसर देखने को मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं।